अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे बैठे आज के प्रोग्राम के सदर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हाफिज़ मंसूर साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ज़रूरत है ऐसे एक नाजुक दौड़ में, ऐसे एक क्रूशियल टाइम में मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली सामने आकर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सीरियस इश्यूज पर जमा होना है, जमा होकर एक पैगाम देना है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम यहाँ पर आकर बयान सुनने से क्या होगा। देखिए, आपका यहाँ पर आना ही एक पैगाम देता है कि आपके दिलों के अंदर अभी तक खौफ नहीं आया। ये पैगाम आज के ज़माने में बहुत अहम पैगाम है। मैं मेरी बात आज शुरू करता हूँ याद कर कर मुदस्सर को और सुहेल को, वो जो शहीद जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कल अपनी जान दे दी। हमेशा हमें याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा वो 20 से ज़्यादा नौजवान जिन्होंने CANRC प्रोटेस्ट के वक्त अपनी जान दी। तो उस माँ ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि अगर मुझे कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे बेटे की जान गई है, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने, हम सुना करते थे कि ऐसी माएं सिर्फ फिलिस्तीन में होते हैं, आज मुदस्सर की मां ने दिखाया ऐसी माएं इंडिया में भी होती हैं। हमें याद करना है आज एक CANRC और मुसलमानों की आवाज बनी हुई एक एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा का घर को आज बुलडोजर के साथ तोड़ा। दिन रात आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले उनके घर को बुलडोज किया जाता है, उसके बदले उन्हें UAPA डाला जाता है, उसके बदले उन पर NSA डाला जाता है। वो क्या बात कर रहे हैं? वो हेट स्पीच कर रहे हैं? वो नफरत की बात कर रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हक हमें है वो हक हमें दो, सिर्फ और सिर्फ ये हक की बात करने के लिए उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है। इन्हें याद रखना जरूरी है, इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही मुदस्सिर है, यही सोहेल है, यही आफरीन है, यही लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं। इनके वजह से आज तक आपके और मेरे घर तक प्रॉब्लम नहीं आया, इनके कामों के वजह से आपके और मेरे घर सेफ है। हमेशा इन्हें याद रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए। देखिए, आज मुल्क के अंदर मुझसे पहले काले साहब ने प्रॉब्लम क्या है आपके सामने बहुत क्लियर रखा। मैं आपके सामने प्रॉब्लम बोलने वाला नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सुन सुन के थक गए। आपके सामने पूरा चीज क्लियर हो गया है, लेकिन आप जानिए ये सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर हर दिन एक इशू हो रहा है, और आप सोच रहे हैं ये इशू हो रहा है, ये इशू हो नहीं रहा है, इशू क्रिएट किया जा रहा है। कभी हलाल, कभी हिजाब, कभी अजान। चंद बेवकूफ ऐसे थे हमारे अंदर जो हमसे कह रहे थे एक बाबरी मस्जिद पूछ रहे हैं ना, दे दो। चंद थे ऐसे बेवकूफ, दे दो। हम उस वक्त कह रहे थे कि ये मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला इंडिया में मुसलमानों को अपने दस्तूरी हक पर जीने का है या नहीं है, इस हक का मामला है। ये बात उनकी समझ में नहीं आई, इसलिए आप देखते हैं कि एक बाबरी मस्जिद का इशू खत्म हो गया, सब लोग थे हाँ अब मुल्क के अंदर शांति आ जाएगी,
एक नया इशू क्रिएट किया गया ज्ञान व्यापी का, एक नया इशू क्रिएट किया गया ईदगाह का। अब बता रहे हैं कि 36,000 ऐसे मस्जिदें हमारे लिस्ट के अंदर हैं, कितने मस्जिदें देंगे, कितने मस्जिदें देंगे? और आपको लगता है क्या ये जो लोग आपकी मस्जिदें मांगते हैं क्या ये किसी धर्म पर विश्वास करते हैं? ये जो संघ परिवार के लोग, क्या आपको लगता है कि ये संघ परिवार के लोगों के साथ हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना है इनका? इनका हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। आज पूरी दुनिया में अगर हिंदू धर्म का नाम कोई खराब कर रहा है तो ये संघ परिवार के लोग हैं, इनके वजह से आज पूरे दुनिया में हिंदू धर्म का नाम खराब हो रहा है। आकर आपसे कहेंगे, न्यूज चैनल्स वाले कहेंगे कि मस्जिद के इशू में दो पार्टी हैं, एक मस्जिद की पार्टी और एक हिंदू पार्टी। आप लोग याद रखिए, झूठ है, कोई हिंदू पार्टी नहीं है। मुझसे पहले काले साहब ने कहा हिंदुओं को उनका बड़ा टेंशन है, इकोनॉमी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पेट्रोल का रेट कहां चला गया, सिलेंडर का रेट कहां चला गया, बच्चियां सेफ नहीं है, रेप्स हो रही हैं, ये सारे टेंशन लेकर इंडिया के हिंदू और मुसलमान बिजी हैं। तो ये केसेस कौन कर रहे हैं? ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है, ये आरएसएस है, याद रखिए। ये संघ परिवार है जो इशू क्रिएट कर रहा है। ये चाहते हैं आपके दिमाग में डालें कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम। यहां पर यह संघ परिवार अपने एजेंडा को हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहा है। आपको एकदम क्लियरिटी चाहिए कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं। इंडिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो आरएसएस का प्रॉब्लम है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को जितना जल्द आप समझेंगे उतना बेहतर होगा। अब आप सोच रहे हैं ये पूरा मशीनरी आरएसएस इस्तेमाल कर रहा है, यहां लिंचिंग हो रहे हैं, वहां मस्जिदों का इशू हो रहा है, वहां पर अजान का इशू हो रहा है, क्यों क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुस्लिम कम्युनिटी को इतने सारे इश्यूज में लोग घेर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, आरएसएस का दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, आरएसएस का असल दुश्मन इंडिया का संविधान है। असल उनको प्रॉब्लम संविधान है। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि एक छोटा से गिरोह पूरे मुल्क पर हुकूमत करे, एक छोटे से तबके के पास जात के नाम पर पूरा हुकूमत इनके हाथ में हो। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक दस्तूर आया, और दस्तूर ने एक बात कहा, वो दस्तूर में बात क्या था, इंडिया के सारे नागरिक बराबर, इंडिया के सारे नागरिक बराबर। उस दिन से इस दस्तूर से ये नफरत करते हैं और आज भी इस दस्तूर से नफरत करते हैं। थोड़ा ड्रामा करेंगे, दिल्ली में बैठे थोड़े इनके लीडर्स थोड़े ड्रामा करेंगे कि इन्हें दस्तूर से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग ये अच्छे एक्टर्स हैं, इन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। लेकिन जो नीचे इनके कार्यकर्ता हैं इन्हें एक्टिंग नहीं आती, इसलिए आप देखेंगे इसी बीजेपी के एमएलएस एमपीस कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम इस मुल्क का संविधान बदलेंगे, हम इस मुल्क का दस्तूर बदलेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम, आप याद रखिए, उन्हें असल प्रॉब्लम हमारे मुल्क के संविधान से है, असल टारगेट संविधान से है। तो फिर मुसलमानों पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क के संविधान को बचाने में सबसे बड़ा रोल इंडिया के मुसलमानों का है, याद रखिए। इंडिया के अंदर आरएसएस जानता है, इंडिया के अंदर आरएसएस जानता है कि अगर कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी ने आरएसएस के साथ आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीजेपी के साथ आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वह मुस्लिम कम्युनिटी है। गर्व से कहते हैं हम लोग, आज तक हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट क्या करेंगे, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमानों का ना तो कत्ल कर सकते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भी नहीं भेज सकते, तो क्या करेंगे? तो आरएसएस का एजेंडा है इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ डालो, इनके दिलों के अंदर खौफ डालो,
इनके अंदर जो होप है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को मार दो। तो आज आप ये पूरे इंडिया में जो भी इंसिडेंट्स देख रहे हैं, इंसिडेंट्स क्या है, ये इंसिडेंट्स आपके दिलों के अंदर खौफ डालने के लिए है, आपके अंदर से उम्मीद खत्म करने के लिए है। लेकिन अभी इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी को डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या हम उनके प्लान को कामयाब होने देंगे? वो चाहते हैं आपके दिलों के अंदर खौफ आ जाए, क्या हम हमारे दिलों के अंदर खौफ आने देंगे? वो चाहते हैं हमारी उम्मीद टूट जाए, क्या हम हमारी उम्मीद टूटेगी? ये जवाब पूरे इंडिया में गूंजना होगा, खौफ। अब ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है, खौफ, डर, होपलेसनेस, इसको तोड़ना होगा। हमें हमारे संविधान पर अभी भी भरोसा है। 5 मिनट्स 2 मिनट्स ओके मैं मेरी बात इससे खत्म करता हूं कि यहां पर मुस्लिम लीडरशिप को बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना है। यहां पर जो भी मुस्लिम लीडर्स आए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहकर मेरी बात खत्म करता हूं। वो बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नौजवानों को उम्मीद दीजिए, नौजवानों को होप दीजिए, नौजवानों को कॉन्फिडेंस दीजिए, लोकल सपोर्ट सिस्टम्स बनाइए, एक पर हमला सब पर हमला, ये कॉन्सेप्ट लेके आइए। ये जो अभी एक बुलडोजर का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, किसी के भी घर पर बुलडोजर आया, अपने घर में बुलडोजर आया जैसा है, किसी के घर में बुलडोजर आया, मेरे घर में बुलडोजर आया जैसा, ये एक नेचर बनाइए। उलमाओं से मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, कौम के अंदर इज्जत और गैरत पैदा कीजिए, सिर्फ इज्जत और गैरत पैदा कीजिए। बस इतना आप करेंगे, इस कौम के अंदर आज भी वो काबिलियत है कि वो ये चैलेंजेस को फेस कर सके। मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।